हेलो बच्चों, आज हम 13.8 एक्सरसाइज का तीसरा सवाल शुरू कर रहे हैं और देखिए गोले पर आधारित हैं ये सभी सवाल। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, धातु की एक गेंद जिसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, ये धातु की गेंद है और इस गेंद का जो व्यास है वो 4.2 सेंटीमीटर है। ये धातु की गेंद और इसका अगर हम व्यास कहें ये, या इस तरह से व्यास, या फिर हम बीचों बीच व्यास ड्रॉ कर लेते हैं, ये व्यास जो है इसका 4.2 सेंटीमीटर व्यास है। तो धातु की गेंद का व्यास कितना है बच्चों, व्यास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, गेंद की जो त्रिज्या है व्यास की आधी होगी, यानी कि 4.2/2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या है। और इसका आयतन निकालिए, आयतन क्यों निकालें, क्योंकि इसमें 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दे रखा है, प्रति घन सेंटीमीटर द्रव्यमान दे रखा है। घन सेंटीमीटर का मतलब इसका हमने क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो गेंद का आयतन कितना हो जाएगा, गेंद का आयतन हमें पता है गेंद कैसी है, गेंद गोलाकार, गोला होती है, एक तरह का गोला है, गोलाकार है, तो इसलिए आयतन क्या होगा, 4/3 πr³, क्योंकि गोले का आयतन जो है 4/3 πr³ ये होता है। ये आयतन इसमें अब हम मान रख देंगे 4/3 π के स्थान पर हम 22/7 रखेंगे, r का मतलब 2.1 गुना में 2.1 गुना में 2.1, सभी दशमलव हटा के नीचे 10 लगा देंगे हम, ताकि हमारी कैलकुलेशन बाद में आसान हो जाए। और 7 × 21 3 से ये कट गया, 2 से ये 5, फिर 2 से ये 5, फिर 2 से ये 11 और ये आ जाएगा 5, यानी कि ये आयतन बन गया 11 × 21 × 21 / 5 = 125 कर लेते हैं सीधा, ये आयतन हो गया इतने घन सेंटीमीटर। अब एक घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है, 8.9 ग्राम। एक घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान बराबर है 8.9 ग्राम। तो इतने घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 11 × 21 × 21 / 125 हमने सीधा ही कर दिया, घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान हम चाहें तो इसका मान निकाल सकते हैं या गुणा कर दें, तो 11 × 21 × 21 / 125 × 8.9 ये। और जब हम इनको गुणा करते हैं, इन सभी की गुणा, तो हमें उत्तर जो प्राप्त होता है वो होता है 345.3912 345.3912 ग्राम। हम इसको भी चाहें तो हम निकाल सकते हैं, 21 × 21 441 को 11 से गुणा करेंगे और हम उसको जो है 125 से भाग करेंगे तो ये हमारा बनेगा 38.808 घन सेंटीमीटर, ये भी कर सकते हैं। तो इतने ग्राम जो है इसका द्रव्यमान होगा 345
0.3912 ग्राम, दो दशमलव स्थान तक इसको करना हो तो हम इसको सीधा इतना 345.39 ग्राम कर सकते हैं, क्योंकि आगे एक है छोड़ सकते हैं। तो ये तीसरा सवाल, और इसके बाद हमारा चौथा सवाल इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई आप समझते हैं ना, मतलब 1/4 है। चंद्रमा का व्यास कम है, वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो हम पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं और फिर पृथ्वी का व्यास से हम उसको निकाल लेंगे, फिर चंद्रमा का निकालेंगे हम इसी तरह से। तो देखिए क्या है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। पृथ्वी का व्यास मान लीजिए, माना पृथ्वी का व्यास एक्स, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या x/2, और चंद्रमा का व्यास इसका एक चौथाई है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है, तो ये बताना है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, ये बताना है। इसका मतलब दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा। तो पृथ्वी हमें पता है गोलाकार होती है, पृथ्वी गोलाकार है तो पृथ्वी का आयतन देखिए क्या होगा, पृथ्वी का आयतन गोलाकार है तो गोलाकार वाला सूत्र लगेगा, 4/3 πr³, ये, और r के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, क्योंकि गोला है तो r के स्थान पर हम लगाएंगे x/2। तो कितना आयतन हो जाएगा, पृथ्वी का आयतन चार बटा तीन पाई, यूं का तू रहने दो, आर की जगह क्या रख दो, x³/8 हो जाएगा, दो क्योंकि दो का घन करेंगे 8 आएगा, 4 × 8, तो ये बन गया x³/6। अब चंद्रमा का व्यास कितना बनेगा, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का क्या है, एक चौथाई है। चंद्रमा का व्यास x/4, इसलिए चंद्रमा की त्रिज्या क्या बनेगी, पृथ्वी की त्रिज्या का चंद्रमा की त्रिज्या क्या बनेगी, x/8 बन जाएगी। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास हमने x लिया था, तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी भी आधी यानी x/8 हो जाएगी। तो इसी तरह से फिर आयतन क्या आ जाएगा, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन हम सीधा ही रख देते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी क्या है, गोलाकार होता है, और इसलिए उसका आयतन क्या आएगा, 4/3 πr³, यानी कि x/8³, यानी इसके 3। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, चंद्रमा का आयतन बराबर है 4/3 πx³, और 8 × 8 × 8 यानी कि 8 8 64 होएगा, और 64 को फिर 8 से गुना करेंगे
तो आएगा 8 चौका 32, 3 8 48 और 3 51 512, और ये इससे कटता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, यानी x की 3π/3 गुना 128, यूँ ही रहने देते हैं। अब चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो आप देखिए चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का बटे में क्या कर रही हैं आप, पृथ्वी का आयतन, तो चंद्रमा का आयतन है x की 3π/3 गुना में 128, पृथ्वी का आयतन है, पृथ्वी का जो आयतन हमारा निकला था वो ये निकला था, पृथ्वी का आयतन x की 3π/6, x की 3π/6, 6 ऊपर चला जाएगा, x की 3 से x की 3π से पाई, और ये 3 दूनी 6 और 2 से ये कट गया 64, यानी 1/64 भिन्न, भिन्न जो है, कहने का मतलब जो चंद्रमा का आयतन है पृथ्वी के आयतन का 1/64 है, यानी 64वां भाग है, तो इतना कम है। इसके बाद सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्यास 10.5 वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। बहुत ही आसान और छोटा सा सवाल है ये, तो कि हमने सीधा क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है, और हमें जो है क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है व्यास दे रखा है इसका, तो व्यास दे रखा है, हम इसका अर्धव्यास निकाल लेंगे, हमें पता है कटोरा है, इस तरह का कटोरा है, और इस कटोरे का व्यास जो दे रखा है वो 10.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है इसके बराबर, ये आपस में हो जाएंगे, यानी 5.25 त्रिज्या हो जाएगी, ये भी 5.25 सेंटीमीटर, तो आप देखिए 1/2 गोल अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या आदि होगी 10.5/2, सबसे बढ़िया तरीका है कि हम इसको ये कर लें, 10 हटा दें, 5 × 10, 5 से 21, तो 21/4 सेंटीमीटर, बटे में ठीक रहेगा, यानी 5.25 ये इसकी त्रिज्या। अब इसके बाद इसका आयतन निकालिए, तो इसलिए आयतन, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, आयतन किसके बराबर होता है, अर्धगोलाकार का 2/3π/r³, ये अर्धगोलाकार का आयतन का सूत्र है, तो इसलिए कटोरे का आयतन किसके बराबर होगा, 2/3π/22/7 r³, 21/4 गुना में 21/4 गुना में 21/4, 3 से कट गया 7, 7 से 7 कट गया, 2 × 4, 2 से 11, तो अब ये आ गया 11 गुना में 21 गुना में 21/4 गुना में 4, मतलब 21 और 21 441 होते हैं, 441 को 11 से करेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 45, 4 44 और 4 48/16,
तो 1648 4851 बटे 16 ये आया है इसका, और इसको अब हम भाग कर देंगे, और भाग करने पर हमें मिलेगा वो देखिए 16 तीय 48 0 16 तीय 48, 3 बचेगा, 3 का 16 एकम 16 आएगा, फिर 14 बचेगा, तो 14 बचेगा तो हम 16 सोलह अठे 128 और 16 सत्ते 112, लगभग ये बनेगा इतने घन सेंटीमीटर। इसमें लीटर पूछा है, आपको पता है 1000 घन सेंटीमीटर जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है, तो आप देखिए 1000 घन सेंटीमीटर बराबर है 1 लीटर, इसलिए कटोरे में दूध का आयतन क्या आएगा, 303.187 बटे 1000, यानी कि 0.303187 लीटर, या आप इसको यूं कह सकते हैं लगभग 0.303 लीटर, इतना कर दीजिए। तो ये हमारा उत्तर आ गया, और इसके बाद छठा सवाल, हम छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो छठा सवाल देखिए क्या है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है, अर्धगोलाकार टंकी है और वो 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है। हम मान लेते हैं टंकी ऐसे है, अर्धगोलाकार है, ये टंकी का अंदर का भाग है जो अर्धगोलाकार है, और ये 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बनी है, तो हम इसकी मोटाई और दिखा देते हैं। ये जो है बाहर का हिस्सा है, और इस तरह से ये बाहर की, क्योंकि चादर की मोटाई है इस करके ये बाहर का हिस्सा 1 सेंटीमीटर मोटाई, यानी ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मोटाई है ये 1 सेंटीमीटर है, और इसकी आंतरिक त्रिज्या जो है, आंतरिक त्रिज्या अंदर की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यूं कह दीजिए ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो अब आप देखिए इसमें क्या दे रखा है, अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या, अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो शीट की यानी चादर की मोटाई, आप ये कह सकते हैं किनारे की चादर की मोटाई, जो टंकी का किनारा है यानी उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर। इसलिए टंकी की बाह्य त्रिज्या, टंकी की बाहरी त्रिज्या एक सौ एक सेंटीमीटर। हमें लोहे का आयतन निकालना है, यानी जिस लोहे की चादर से बनी हुई है उस लोहे की चादर का हमने आयतन निकालना है, और आयतन निकालने का क्या तरीका है,
सीधा है कि बाहरी आयतन लोहे समेत हो जाएगा माइनस अंदर का आयतन जो खाली वो निकाल दीजिए, तो किसका बच गया? लोहे का। पूरे का आयतन निकाल देंगे, बाहरी आयतन निकालेंगे और उसमें से हम बीच का आयतन निकाल देंगे, अंदर का आयतन निकाल देंगे, अंदर मतलब जितना स्थान है खाली का, यानी जो खाली भाग है उसका आयतन निकाल देंगे। तो अगर हम बाहरी में से अंदर का आयतन निकाल देंगे तो किसका आयतन बच जाएगा? लोहे की चादर का। तो इसलिए हमने बाहरी त्रिज्या भी ली है और आंतरिक त्रिज्या भी ली है। तो हम सीधा ही कर देते हैं कि लोहे की टंकी का प्रयुक्त लोहे का आयतन, तो आप सीधा लिखिए टंकी में प्रयुक्त लोहे का आयतन, टंकी में प्रयुक्त लोहे का आयतन कैसे निकलेगा? टंकी का बाहरी आयतन माइनस टंकी का आंतरिक आयतन, ये दो। टंकी का बाहरी आयतन, टंकी अर्धगोलाकार है, 2/3 पाई बाहर की त्रिज्या हम आर की 3 लगा लेते हैं, माइनस 2/3 पाई अंदर की त्रिज्या छोटा आर लगा लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो 2/3 पाई तो कॉमन आ गया, क्या बच गया? आर की 3 माइनस आर की 3, मतलब 2/3 पाई की जगह 22/7, 101 का घन माइनस 100 का घन, ये हो गया, ये निकलेगा। तो अब आप इसमें देखिए 101 का घन और 100 का घन कितना होता है? 101 का घन अभी मैंने निकाला था 44/21 हो जाएगा ये, तो और ये हो जाएगा 103/30। जो 101 का घन बनता है वो बनता है 103/01 माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 301 है। मैं आप दोबारा लिख देता हूँ इसको लाल से, ये है 103/0, 301, ये है। इसमें से माइनस ये तो कितना बच गया? ये आ गया बाहर 44/21 गुना में इसमें से घट जाएगा तो 30, 301 आ गया, 30, 301 आ गया। अब इनकी गुणा करके हम इसको काट देते हैं तो ये 30, 301 गुणा में 44/21 ये आ जाएगा 13, 33 और इसको करेंगे तो 44, 244 लास्ट में आता है। बटे 21 और 13, 33, 244/21 इतने घन सेंटीमीटर। और लगभग ये आएगा 63,487.81 घन सेंटीमीटर, 63,487.81 घन सेंटीमीटर। और इसको हमने, ये इतना घन सेंटीमीटर है, अगर आप इसको घन मीटर में लगाना चाहें इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप घन मीटर में लगाना चाहें तो आपको पता है 487.81 है घन मीटर में, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमने इसका मीटर में बदलना है तो 100 गुणा में 100 घन है ना, 60 यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी 0.063487881 और लगभग आप 0.06
3.35 घन मीटर इसको आप इतना कर सकते हैं। तो इतना आयतन लोहे का रहेगा। और बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।